रांची से नवजात को ट्रैफिकिंग कर मुंबई ले जा रही महिला अरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लगभग 15 दिनों के एक नवजात बच्चे को ट्रैफिकिंग कर रांची से मुंबई ले जा रही एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार महिला का नाम निखत परवीन है। निखत 13 जनवरी को दोपहर के 1 बजे इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई जा रही थी। इसी दौरान उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था। टिकट में बच्चे का जिक्र नहीं होने के कारण सीआरपीएफ जवानों ने गेट पर ही रोक दिया। इसके बाद निखत इंडिगो के काउंटर पर जाकर बच्चे का नाम जुड़वाने का प्रयास करने लगी। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और इंडिगो के स्टाफ ने एयरपोर्ट पुलिस को मामले की जानकारी दी। एयरपोर्ट पुलिस ने निखत को पकड़कर एंटी ट्रैफिकिंग सेल के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट थाना प्रभारी आनंद ने बताया कि दोपहर इंडिगो स्टाफ की सूचना पर उन्होंने निखत परवीन को बच्चे के साथ पकड़ा था। बाद में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होने के कारण ट्रैफिकिंग सेल की दुर्गा गुप्ता को मामला सौंप दिया गया। दुर्गा गुप्ता ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में महिला निखत परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि यह मामला एयरपोर्ट स्थित इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ की सूझबूझ से पकड़ा गया। सीआरपीएफ जवानों द्वारा जब निखत परवीन को प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया, तब वह बच्चे का नाम टिकट में जुड़वाने के लिए इंडिगो टिकट काउंटर पहुंची। वहां एग्जीक्यूटिव अंजनी नंदन पांडे ड्यूटी पर तैनात थे। अंजनी ने जब बच्चे का नाम पूछा तो निखत नाम बताने में सकबका गई। इसके बाद जब अंजनी ने बच्चे की उम्र पूछते हुए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा तो वह कभी 15 दिन तो कभी 3 दिन उम्र बता रही थी। शक होने पर जब अंजनी इंडिगो मैनेजर रिजवान कादिर ने जाँच की तो पता चला कि 11 जनवरी को वह महिला बिना बच्चे के मुंबई से आई थी। 13 जनवरी को फ्लाइट 6E341 से दोपहर 2 बजे मुंबई जाने के लिए उसने 12 जनवरी को ऑनलाइन टिकट बनवाया था, लेकिन उसमें बच्चे की एंट्री नहीं करवाई गई थी। शक के आधार पर इंडिगो स्टाफ ने पुलिस को सूचित कर दिया। अभी की खबर में बस इतना ही। जुड़े रहे आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।